ऑल राइट, तो आज डेट है 3 अप्रैल और अभी टाइम हो रहा है दिन का 1, और आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये गार्डन का नहीं है, कैंपिंग का वीडियो होने वाला है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ हल्द्वानी अपने गार्डन पे हूँ और अभी हम लोग निकलने वाले हैं अल्मोड़ा के लिए। तो हमारी जो आज की कैंपिंग है वो होने वाली है अल्मोड़ा में। एग्जैक्टली अल्मोड़ा में कहाँ पर होने वाली है ये भी मुझे ठीक से पता नहीं है, वो अल्मोड़ा जाके ही पता चलेगा। तो अल्मोड़ा से एक भाई है हमारे संग, उनका भी यूट्यूब चैनल है, तो साथ में कैंपिंग का प्रोग्राम बना रखा है। तो फिलहाल मैं यहाँ से घर से निकलता हूँ और अल्मोड़ा पहुँचते हैं, वहाँ देखते हैं क्या है एग्जैक्ट लोकेशन, और आज की कैंपिंग हमारी रात की वहीं होने वाली है। तो सबसे पहले निकलते हैं हल्द्वानी से। ओके जी, तो ये बाइक रेडी है, निकलते हैं यहाँ से। तो हल्द्वानी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जाम लगा हुआ है लंबा। हाँ, इंटरसेप्टर ये चालान काट रहे हैं सबका। देखो कितना लंबा ट्रैफिक आ रहा है ऊपर से। सब आजकल ये नैनीताल साइड को टूरिस्ट सीज़न है ना, तो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रहता है इस समय। और ये आ गए हम काठगोदाम से ऊपर को पहाड़ों की तरफ। घर से निकलते हुए मुझे लगभग 1:30 बज गया था। ओहो, नीचे नदी देखो बढ़िया सी। चलो जो भी है चलते हैं फटाफट अल्मोड़ा की तरफ इससे पहले कि मौसम बिगड़े। अल्मोड़ा 76, भीमताल 16। ये है अभी हम रानीबाग पे, ये आ गए हैं हम भीमताल। आज ट्रैफिक में फंसते फंसते आ रहा हूँ मैं, बड़ी देर लग गई भीमताल आने में भी। आजकल तो पूरी भरी हुई है तालाब, अभी गर्मी आते आते फिर सूखने लग जाएगी। ये देखो बढ़िया सा नज़ारा। और ये भीमताल का मार्केट। हल्द्वानी से 1:30 बजे निकला था मैं, 3 बजने वाले हैं और अभी ये मैं भवाली पहुंचा हूँ। पहले हल्का हल्का हल्द्वानी में जाम में फंसे, फिर भीमताल में जाम में फंसे, और अभी ये भवाली में। फाइनली ये भवाली का ट्रैफिक भी क्रॉस हुआ। अब बस ये थोड़ा सा कैंची थाम तक है मोड़, उसके बाद सीधा रास्ता है, फिर चलेंगे गोली, मज़ा आएगा। ओके जी, यह है सामने विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम मंदिर। बैटरी ख़त्म हो गई थी, पावर बैंक लगाने के लिए रोका था, बढ़ रहे हैं आगे को। ओके, तो यह है सामने बढ़िया सा नज़ारा, देखो बढ़िया हरे हरे पेड़ हो रहे हैं, उसके बीच से जा रहे हैं। आज मौसम भी बड़ा सही हो रहा है, धूप भी मतलब ठीक ठाक आई है और हवा भी बड़ी अच्छी चल रही है। अभी गर्मियाँ आने वाली है ना, उसके बाद तो फिर भयंकर धूप आ जाएगी। तो अभी फ़िलहाल ये घूमने का सही हो रहा है, पर मौसम बिल्कुल बारिश वाला हो गया यार, मतलब ऐसा लग रहा है कि आज कंफर्म होगी होगी बारिश, हो सकता है हमारी रेन कैंपिंग हो जाए। अभी बस इसके बाद खैरना आ जाता है, फिर तो रोड सीधी ही है लगभग। अभी भी है कि भगाने वाली तो है बढ़िया। ये है रानीखेत को जाने वाला ब्रिज, और यहाँ से चले जाएंगे हम सीधे अल्मोड़ा। और अब चलेंगे गोली एकदम।
तो अभी काफ़ी लंबे टाइम से मेरा कहीं इधर उधर जाना हो नहीं पा रहा था, क्योंकि बड़े टूर के लिए बजट नहीं हो पा रहा था। और इस बार का प्रोग्राम ऐसा है कि मेरा इस बार मूड कर रहा है कि इस बार मैं लद्दाख या जंस्कार जैसे किसी ट्रिप पर जाऊँ, बड़े ट्रिप पर। तो वहाँ जाने के लिए थोड़ा बजट भी अच्छा लगेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा बजट वगैरह जमा करना है। और अभी वैसे भी टाइम नहीं है लद्दाख पर जंस्कार जाने का, मेरे ख्याल से अप्रैल के बाद से शुरू होगा। तो अभी देखते हैं लद्दाख जंस्कार का कब होगा। फिलहाल तो आज हम जा रहे हैं अल्मोड़ा। आज अभी काफ़ी दिन से नहीं हो रहा था कहीं जाना, और अभी मेरी इंस्टाग्राम पे बात हुई है एक अल्मोड़ा के भाई हैं, लोकेश नाम बता रहे थे, इनका भी यूट्यूब चैनल है ट्रिप सेंस नाम से। तो इनसे बात हुई मेरी, इनका चैनल पूरा कैंपिंग वाला था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है एक आध दिन की कैंपिंग भी हो जाएगी, तो ऐसे ही करके एक ये प्लान बन गया। और जा रहे हैं आज कैंपिंग के लिए, पहुँचते हैं अभी थोड़ी देर में अल्मोड़ा और फिर मिलते हैं एक बढ़िया सी लोकेशन पे कैंपिंग के लिए। और ये बढ़िया सा नज़ारा नदी का, बाकी दोनों साइड से पहाड़। आज बहुत सही हो रहा है, मेरे पास ज़्यादा सामान भी नहीं है, बाइक भी हल्की हल्की हो रही है और भाग रही है गोली। सामान में मैं बस एक टेंट लाया हूँ, एक मैट लाया हूँ और बाकी अपना कैमरा वगैरह का सामान लाया हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं लाया। वो बाकी सारा सामान अल्मोड़ा में हमें वो भाई के पास मिल जाएगा। और ये शानदार सा नज़ारा जिसके बीच से हम गुजर रहे हैं, नदी देखो कितनी प्यारी लग रही है, थोड़ा पानी ज़्यादा होता तो मज़ा आता। ये देखो 80 की स्पीड पे भाग रही है यहाँ पे, 80, 85, 90। ये पहुंच गए हम अल्मोड़ा, अब यहाँ से लगाते हैं गूगल मैप। हमें जाना है कोसी के आसपास। देखो यार उधर का व्यू देखो क्या जबरदस्त आ रहा है, मुझे आगे देखना है, मजबूरी हो रही है, वरना उधर व्यू बड़ा ही ज़बरदस्त आ रहा है यार। ओके तो लगभग पहुंचने वाले हम, 2 किलोमीटर रह गया है और यहां से आगे से कहीं से टर्न राइट लेना है, ऐसा गूगल मैप बोल रहा है थोड़ा आगे से। अच्छा ये तो कोसी ब्रिज पर कोसी ब्रिज पर आ गए ना हम, अब यहां से टर्न इधर को, क्या है ये, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पिलखा, हवालबाग और पाखुरा। ठीक है हमें ये हवालबाग के पास जाना है शायद। देखो वो आगे वहाँ पे कहीं पे कोसी का ब्रिज है, यहाँ से सीधे ऊपर को सोमेश्वर, कौसानी, बागेश्वर जहाँ जाना हो जा सकते हैं। ये इधर कोई ग्राम पंचायत वाली रोड होगी। चार मिनट में पहुंच जाएंगे हम। अरे वाह यहाँ को भी बड़े अच्छे व्यूज़ हैं यार। एक्चुअली ये साइट को कटी हुई ग्राम पंचायत वाली रोड है ना, तो कभी इधर को आना हो नहीं पाता है, तो इन जगहों के बारे में पता नहीं चल पाता है। आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं ये जगह, यहाँ को ड्रोन शॉट वगैरह भी बढ़िया आएंगे। अरे वाह क्या बात है यार, यहाँ पर तो अलग ही हरियाली हो रही है, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। यहाँ से मुड़ना है, हाँ ठीक है पहुंच गए।
हाँ नीचे को मैं, नीचे को नीचे को ऊपर भी चले गए हो। अच्छा नीचे गाऊँ, ठीक है ठीक। क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। लॉन्ग राइड होगी तुम्हारी ये। हाँ कौन सा ये हुआ घर? ये वाला घर हुआ अपना पूरा ये। अच्छा।